नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सुवासिया सुजानगढ़ में रीट के हो रहे एग्ज़ाम के बारे में आपको दिखाएंगे। लोग एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी गाड़ियां खड़ी है यहां पे। देखिए हरियाणा से दूर दूर से लोग आए हैं, अयोध्या से काफ़ी लोग आए हैं, अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। देखो छात्र छात्राएँ, देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है लेवल सेकेंड का दोस्तों, तो देखिए आपको भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ये जाजोदी स्कूल का दृश्य दिखा रहा है आपको दोस्तों। अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं छात्र छात्राओं से, हम पूछेंगे भी कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, और उनको पूछेंगे भी आपने तैयारी कैसे की, किस टाइप से तैयारी की, और ऑनलाइन के माध्यम से की या कैसे की थी, तो उनके सारी जानकारी विद्यार्थियों से लेंगे हम, पूछेंगे कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों हम आप एग्ज़ाम दे के आए हैं छात्राओं से पूछेंगे भी कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम। अब पूछते हैं भैया से, पूछते हैं एक्सक्यूज मी भैया, आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ? बहुत अच्छा हुआ। तो आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी तो हमने रेगुलर करते हैं 5-7 घंटे, वही की थी। ऑनलाइन से की थी या कैसे की थी? हमने ऑफलाइन की घर पे। तो आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ अभी? एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हुई थी, पेपर और व्यवस्था है जो बहुत अच्छी थी। तो आपको क्या लगता है आपने एग्ज़ाम दिए कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा? नंबर की तो हम क्या है कि जो टॉपर रह चुके हैं कई साल से कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। सही है। हमने तो घर पे तैयारी की है, फिर भी हम कहते हैं कि 120 के समथिंग नंबर आ जाएंगे। अच्छा, आपने मतलब 120 के समथिंग आपके नंबर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। और कहाँ से आए हो सर आप? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से कितनी दूर से आए हैं छात्र? काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। वैसे तो दूर तो ज़्यादा है ही नहीं राजस्थान में, ये क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी बाहर जाते हैं, IIT है वगैरह, MBBS है, उनकी तैयारी के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। ये तो ये थर्ड ग्रेड टीचर की, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ठीक है, आपने इतना बताया, धन्यवाद। भैया से पूछेंगे, इधर आइए थोड़ा पीछे सर। तो आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ भैया? सर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ, साइकिल जब की बार बहुत ईजी आई, क्योंकि पिछली बार टफ आई थी, इसलिए एग्ज़ाम इन्होंने अब की बार रूट चेंज किया है, हर बार अपना था, जैसे राजस्थान पुलिस में वैसे ही होता है, वैसे अब की बार रीट में ये देखने को मिला है। तो आपके कितने अंक आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में, आप बता सकते हैं? सर इसमें अधिकतर अंक आने के 115-16 से अब ही आएंगे, जिस बंदे ने नॉर्मल तैयारी की है 5-6 महीने। तो आपने ऑनलाइन तैयारी की थी या कैसे की थी? सर हमने ऑनलाइन के साथ साथ हमने ऑफलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारा, क्योंकि हम गाइडों से पूरी सफलता जो RBC की चलती है 6 से 12 तक वो तैयार की, और मनोविज्ञान के लिए मुन्ना जादू उन पर बात की वो। तो आप दिन में मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर? हम सर 11 या 12 घंटा रोज पढ़ाई करते थे। 11-12 घंटे पढ़ाई में देते थे। और एग्ज़ाम आपको लग रहा है मतलब आपका नंबर आ जाएगा? सर ये तो पक्का ही लग रहा है सर। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतना बताया, थैंक यू। वो एग्ज़ाम में सर, एक्सक्यूज मी मैम, आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ? एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ। इधर आइए, इधर आइए। एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, देखो अब रिजल्ट पे डिपेंड है। तो मैम आपके कितने अंक आ सकते हैं आपके हिसाब से? आई डोंट नो। उनसे पूछ लीजिए। मैं अलवर से आया हूँ भैया, बहरोड से। इतनी दूर से आए हो एग्जाम देने? एग्जाम देने के लिए, देने के लिए। सर कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर बहुत सरल आया है, मेरिट बहुत आई जाएगी। मतलब इजी पेपर आया तो इजी पे, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आपके कितने अंक आ सकते हैं बता सकते हैं अंदाजे से? भाई अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन 120-125 की तो उम्मीद है फिर भी। और सर आपने तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से की थी या कैसे की थी? हाँ ऑनलाइन से ही कर रहे हैं, अब तो कोचिंग तो सब बंद थी ना 2 साल से। हाँ सही है सर। तो अच्छी तैयारी थी आपकी? हाँ बस कोशिश कर रहे थे अच्छी। तो सर कितने साल से कर रहे हो आप इसी की रेट की तैयारी? मैं तो पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। 16 साल से कर रहे हैं। हम पूछेंगे इनसे, विद्यार्थियों से, गाड़ी आ गई है, देखो काफ़ी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। मैडम से पूछेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ बता सकते हैं आप? अरे मेरा हुआ नहीं है, अभी होगा, सेकंड लेवल में हूँ। आप कहाँ से आए हो मैम? मैं आई हूँ राजगढ़ से। राजगढ़ से आए हैं, काफ़ी दूर से, अभी इनका सेकंड पारी में एग्ज़ाम होगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद।